आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होता क्या है, टोपोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो टोपोलॉजी के 5 काइंड्स होते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ बस टोपोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि टोपोलॉजी होता क्या है, बस टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क, टोपोलॉजी इज ए लेआउट ऑफ ए नेटवर्क। जैसे जब हम घर वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं तो अपना एक मैपिंग करते हैं, मैप बनवाते हैं, नक्शा बनाते हैं, और घर का जितना भी जमीन है, दीवार है वगैरह जो उठाते हैं, वो हम क्या करते हैं, उसी नक्शे के अकॉर्डिंग उठाते हैं। तो टोपोलॉजी भी एक स्ट्रक्चर या लेआउट या ब्लूप्रिंट है नेटवर्क का, जिसके अकॉर्डिंग या जिसे यूज करते हैं तो हम किसी भी नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं। जब मैं बताने जाऊंगा तो बीच में एक टर्म आएगा नोड। नोड होता है क्या है, किसी भी नेटवर्क का जो इंड पॉइंट होता है, किसी भी नेटवर्क का जो इंड पॉइंट होता है वो नोड कहलाता है, या फिर कोई भी नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन जिस हब से, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वो नोड कहलाता है। लेट्स सी, इसमें हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी पढ़ेंगे। साथ में इसमें आपको मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी बताऊंगा ताकि आप एग्जाम्स में आसानी से कर सकें। तो पहले जानते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, एक लेआउट है, मतलब कि कुछ कंप्यूटर्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, उनके बीच ही किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, किस तरह से वो कनेक्टेड हैं, किस तरह का लेआउट है। तो क्या कह रहा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइन द लेआउट, वर्चुअल शेप या स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो लॉजिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी क्या है, इज द फिजिकल लेआउट ऑफ नोड्स, वर्क स्टेशन एंड केबल्स इन द नेटवर्क। मतलब क्या होगा कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, जिसमें इंक्लूड है डिवाइस लोकेशन एंड केबल इंस्टॉलेशन। ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल लेआउट है, यानी कि जो इसमें केबल्स हो गए या कुछ कंप्यूटर्स को आपस में जो कनेक्टेड करते हैं, किस तरह से कनेक्टेड हो रहे हैं, वो किस तरह का लेआउट है, जो आपस में नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क जो नोड्स हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो उसमें उनमें डिवाइस की लोकेशन आ गई और केबल आ गए, केबल इंस्टॉलेशन। तो फिजिकल टोपोलॉजी कितने टाइप्स की होती है, इसमें होती है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है। लॉजिकल टोपोलॉजी मीन्स हाउ इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन टू नोड्स इन अ नेटवर्क। मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन कैसे पास हो रही है दो नोड्स के बीच एक नेटवर्क के ऊपर। दिस टोपोलॉजी इज बाउंड टू द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड डिफाइन हाउ डाटा इज मूव्ड थ्रू आउट द नेटवर्क। तो ये तो है लॉजिकल टोपोलॉजी। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ फिजिकल टोपोलॉजीज, पहली है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश एंड ट्री टोपोलॉजी। तो हम इन टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, इनके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, ये बस टोपोलॉजी बहुत ही सिंपल टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल केबल होता है जिसे हम बस बोलते हैं, उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं सिंगल केबल से। ये क्या है, ये एक सिंगल केबल है या एक कॉम इसे कह सकते हैं, ये एज अ बैकबोन काम कर रही है ना, एज अ मेन केबल है जिससे ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। और इनके लास्ट में एक टर्मिनेटर लगा होता है। ये टर्मिनेटर क्यों लगा होता है, देखिए जब भी कोई कंप्यूटर यहाँ से इंफॉर्मेशन पास करेगा तो वो इंफॉर्मेशन इस केबल में से होकर जाएगा। जैसे ही केबल एंड, जैसे ही वो इंफॉर्मेशन लास्ट तक पहुंचेगी, वो ये टर्मिनेटर उस डाटा को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पढ़ते हैं, इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स, इसमें कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर सब इंक्लूड है, वो सब क्या कनेक्टेड होते हैं, आर कनेक्टेड टू अस टू द सिंगल केबल। बस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स या सभी नोड्स एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं, वो एज अ बैकबोन काम करता है। दिस केबल इज नोन एज बस एंड एक्ट एज बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, विच ज्वाइंस एवरी कंप्यूटर एंड पेरिफेरल इन द नेटवर्क। बोथ एंड्स ऑफ द शेयर्ड चैनल हैव लाइन टर्मिनेटर। बोथ एंड पर एक लाइन टर्मिनेटर होता है। द डाटा इज सेंट
इन ओनली वन डायरेक्शन एंड एज सून एज इट रीच द एक्सट्रीम एंड द टर्मिनेटर रिमूव द डाटा फ्रॉम द लाइन। तो ये है हमारा बस टोपोलॉजी। तो इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखिए। तो इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। पहले, बस नेटवर्क आर यूजफुल इन स्मॉल नेटवर्क्स लाइक सेटअप इज स्मॉल ऑफिस। जो नेटवर्क है ये छोटे नेटवर्क या स्मॉल नेटवर्क्स में यूजफुल है। इसमें रिक्वायर्ड लेस केबल लेंथ कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंगल केबल से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो जाते हैं। तो अदर टोपोलॉजीज के मुकाबले इसमें जो केबल लेंथ है वो कम रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर, आसानी से हम कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, बस टोपोलॉजी कॉस्ट वेरी लेस। ठीक है, जो बस टोपोलॉजी की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि इसमें केबल्स कम लगते हैं, तो कॉस्ट भी और टोपोलॉजी के मुकाबले कम होगी। तो अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं बस टोपोलॉजी के। सबसे मेन डिसएडवांटेज का ये है कि एंटायर नेटवर्क शट डाउन इफ देयर इज एनी ब्रेक इन द मेन केबल। समझे, इसमें देखने के बाद आता है कि जो केबल है इससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और ये एज अ बैकबोन काम करता है। इस केबल में, ये जो बैक मेन केबल है, इसमें हल्की सी भी प्रॉब्लम आ गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही शट डाउन हो जाएगा। केबल हैज लिमिटेड लेंथ। ठीक है, इट इज स्लो व्हेन मोर डिवाइसेस आर एडेड इनटू द नेटवर्क। मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर इसमें और डिवाइसेस, हम ज्यादा डिवाइसेस जोड़ दें तो ये नेटवर्क स्लो हो जाएगा, क्योंकि डाटा जो है सभी डिवाइसेस से होकर गुजरेगा। इट इज स्लोअर देन रिंग टोपोलॉजी। ये तो सब, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का चलेगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो होता है वो रिंग टोपोलॉजी से ज़्यादा बेटर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।